गीता हूं मैं, कुरान हूं मैं, गीता हूं मैं, कुरान हूं मैं, मुझे पढ़, इंसान हूं मैं। आप अगर इंसान की बात करते ना ओवैसी साहब, पहले तो मेरा सलाम स्वीकार करिए, नमस्कार स्वीकार करिए। आप बड़े नेता तब कहलाते जब आप इंसान की परेशानियों की, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल शांति से सुन रहा था। आप बड़े नेता तब कहलाते जब आप इंसान की परेशानियों और दिक्कतों की बात करते। आप छोटे नेता उस दिन हो गए जिस दिन आपने केवल मुसलमानों की बात की। मेरे निगाह में आज आप गिर गए। दूसरी बात, देखिए, हिंदुस्तान की जनता आपका सबसे बड़ा चैनल है, घर घर में लोग इसे सुन रहे हैं। और मैं आज आगाह करता हूं, ये शब्द हटा दीजिए अपने शब्दकोश से कि मुस्लिम इलाका है। कोई इलाका हिंदू इलाका और कोई इलाका मुस्लिम इलाका नहीं है, ये मेरे देश भारत का इलाका है। तो आइंदा ओवैसी साहब, मैं बहुत अदना सा लड़का हूं, आप बड़े लोग हैं, ये अदना सा भारतवासी आपसे एक बात कह देता है, आइंदा ये हिम्मत मत करना आप कि किसी इलाके को ये कह दो कि ये मुस्लिम इलाका है, हम बंटवारा नहीं चाहते। तीसरी बात, आपने सरकार की बात की, मैं सरकार की बात रखता हूं। आपने आंकड़े रखे, आपने कहा 85% मुसलमानों के पास आज तंगी है, अकाउंट नहीं खुले हुए हैं, वहां बैंक नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं साहब, 10 वर्षों तक यूपीए की सरकार में जो राज करती रही, आप उसके कोएलिशन पार्टनर थे। बैंक कोई शुतुरमुर्ग की तरह, कोई फंगस की तरह 4 दिन 5 दिन 3 महीने में नहीं खुलते हैं, इन्हें दशकों लगते हैं। जनधन के पर तो आप अपनी पीठ, मैं जनधन पर दे रहा हूं, आपने अकाउंट खोला है तो थोड़ा तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप बताइए, 25 करोड़ अकाउंट पहली बार हिंदुस्तान में खोला, क्या नाम पूछ के अकाउंट खोला कि तुम्हारा नाम अब्दुल है या तुम्हारा नाम राम है? नाम पूछ के नहीं खोला। मैं आज ओवैसी साहब से पूछता हूं, ओवैसी साहब ये डॉक्यूमेंट दिखाएं कि अपने क्षेत्र में कितने मुसलमान भाइयों के हाथ पकड़ के आप अकाउंट खुलवाने ले गए थे, कितने बैंक आपने अपने इलाके में खुलवाए। देखिए, आपने बड़ा जनरलाइज कर दिया कि मुसलमान इलाके में बैंक नहीं है, कौन जिम्मेदार है? मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जैसे मुसलमान नेता जिन्होंने मुसलमान गरीब मुसलमानों को, वो बाबा बैठे हैं मेरे, देखिए, इनको दबा के रखा वर्षों तक ताकि ये आपका वोट बैंक बना रहे, ताकि इनका अकाउंट ना खुल सके। क्यों नहीं सिखाया आपने इनका, आपने वहां बैंक क्यों नहीं खोला इतने वर्षों तक? मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं कि इस मुल्क की आजादी में सबने हिस्सा लिया, आपने नहीं लिया था। मैं इतिहास लेके आया हूं सर, भाई ना, यू डिड नॉट वॉन्ट हैदराबाद एज इंडिया। इनके 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 इनकी पार्टी का फाउंडेशन इसी बेस पे था कि हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, था कि नहीं। जब आप कहते हैं कि यहां दिक्कत है और पार्लियामेंट नहीं चलने देते हैं, आप कहते हैं यहां दिक्कत है और कहते हैं केवल मुसलमानों की बात करेंगे, हिंदुओं की बात नहीं करेंगे, तो ये मैं सोचता हूं कि सियासत हो रही है, लोगों के तकलीफ के नाम पर राजनीतिक पार्टी अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं ओवैसी जी के इतिहास को गिना रहा था, हिंदू मुस्लिम बनाने के नहीं गिना रहा था, कि हर चीज पे वो हर विषय को हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। इससे दुख होता है क्योंकि एक बड़े कद का नेता जब हर विषय को धर्म के लाइन पे बांट देगा। मैंने ऐसे ही याकूब मेमन का उदाहरण नहीं दिया, मुझे भी तकलीफ होती है जब समाज बढ़ता है, इसलिए दिया कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई गलती करेगा तो फांसी पे चढ़ जाएगा। आपने कहा नहीं, याकूब मेमन फांसी पे इसलिए चढ़ा क्योंकि वो मुसलमान था, भारत माता की जय इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। आप ही के भाई जावेद अख्तर साहब ने कहा ना, अचकन पहनाना, जो आप सुंदर लग रहे हैं अचकन में, अचकन पहनाना तो संविधान ने नहीं सिखाया है, मगर फिर भी आप बड़े प्यार से अचकन पहन, धोती पहनाना मुझे भी संविधान ने नहीं सिखाया है मगर मैं बड़े प्यार से पहनता हूं। तो आप हर बात पे क्यों हमारे संविधान को जवाब ओवैसी साहब जल्दी से कि लघु उद्योग के लोग अभी फिलहाल कुछ परेशान होंगे, और हमारे अल्मा मैटर अर्थात आपने संघ की तरफ उंगली उठाया और कहा कि उन्होंने छापा है, संघ तो अपना काम बिल्कुल ठीक से कर रही है। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हिंदू ज्यादा परेशान है, उन्होंने कहा लघु उद्योग। आप भी तो वही शब्द का प्रयोग कर सकते थे, आपने क्यों मुसलमान शब्द का प्रयोग कर दिया? यही कोई धोती पहन के, कोई टीका लगा के विश्व हिंदू परिषद का आदमी या कोई साधु या साध्वी कह देती ना कि ये हिंदुओं के इलाके में पैसा नहीं आता तो पूरे देश में गजब डा जाता, ये हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, ये हिंदुत्व बनाना चाहते। यही ओवैसी साहब पार्लियामेंट में चिल्ला रहे होते और आज में बोल रहे हैं कि मैं मुसलमानों की बात क्यों ना करूं। क्यों करेंगे केवल मुसलमानों की बात, सबकी बातें क्यों नहीं करेंगे? आपके प्राइम मिनिस्टर जाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जाकर नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर एग्रीमेंट साइन करके आए, ये गलत बात है। मुसलमान याद नहीं आया, मुसलमान इलाके बोलेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब में नहीं। अंजना जी, मैं पूछता हूँ ओवैसी जी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेरे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, तो ओवैसी जी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, चलिए
नहीं अभी भी नहीं ना 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 के प्राइम मिनिस्टर ना 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 आपके मुल्क के नहीं आपके मुल्क के आप बोलेंगे आज कि मेरे मुल्क के मेरे प्राइम मिनिस्टर बोल के दिखाइए नहीं बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे यही पार्टीशन है ये अपने प्रधान मेरी मर्जी नहीं होता है साहब आप एक पार्लियामेंटेरियन है सुन लीजिए एक पार्लियामेंटेरियन जो अपने प्राइम मिनिस्टर को अपना प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क को अपना मुल्क नहीं कह सकता ये बंटवारा नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं